कुंडा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में आप क्या पूरे देश में समझ लीजिए, माननीय राजा भैया जी जैसा कोई नेता या मुखिया नहीं है। कि माननीय राजा भैया जैसा व्यक्ति ना इस देश में है और ना होगा कभी भी। ये कोई भी, जैसे आज से 540 साल पहले चले जाइए कि महाराणा प्रताप 540, उसका अगर कोई दूसरा विकल्प या रूप है वो है माननीय राजा भैया जिंदाबाद, माननीय राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। साल भाई 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 इस समय मौजूद हैं रामायण आवास रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया का ये निवास है। आज उनका जन्मदिन है, दूर दूर से लोग उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आ रहे हैं अपने लोकप्रिय नेता को। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम संवाद करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश पांडे नाम है हमारा, हम गोंडा जिले से आए हैं। गोंडा से आए हैं जी? गोंडा से। कैसे आए हैं गोंडा से? यहाँ बाइक से? नहीं नहीं, साधन से। बस से। ये बताइए कैसे देखते हैं राजा भैया के बारे में, क्या छवि है आपकी, कैसे नेता है? राजा भैया बहुत बढ़िया आदमी है और नेक आदमी है, उनसे बहुत आदमी हमारे संपर्क के जुड़े हैं तो और उन्हीं के संपर्क। क्या आपके यहाँ गोंडा हैं? आप गोंडा के हैं, वो कुंडा के विधायक हैं। गोंडा के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, जानना चाह रहा हूँ। गोंडा के लोग सभी मतलब कैसे नेता हैं, लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में कैसा फीडबैक होता है ना लोगों का, तो आपके नज़र में आपके जो लोग बातचीत करते होंगे तो क्या बात करते हैं? नहीं नहीं, चर्चित चेहरा है, माने जाने नेता हैं, काफ़ी चर्चा है गोंडा में। क्या बातचीत होती? बात संवाद होता है, जैसे कहीं बात हुई भैया यूपी में जो सबसे अच्छा नेता कौन है, तो कभी नाम कुछ चर्चाएं होती हैं? जी जी, बहुत चर्चाएं होती हैं। हमारे राजा भैया का नेता हमारे यूपी में अभी तक नहीं हुए हैं और हमारे गोंडा ज़िले में जो है बहुत अच्छा इनका व्यवहार रहा और हमारे यहाँ हो सकता है इनको हम बुलाएंगे अपने हिसाब से, अपने आवास पर अपने क्षेत्र में भ्रमण कराएंगे इनको हम। वहाँ की जनता भी लोग मानती है? बिल्कुल बिल्कुल मानती है। अच्छा, वहाँ की जनता लोकप्रियता वहाँ भी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? अभय सिंह। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर जिले के। सुल्तानपुर से आप आए? कैसे आए? मोटरसाइकिल से आए। साइकिल से आए? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल तो सुल्तानपुर से आप आए हैं, कैसे देखते हैं राजा भैया के बारे में, क्या आपकी तरफ सुल्तानपुर में क्या लोग सोचते हैं? सुल्तानपुर प्रतापगढ़ का सटा हुआ है और राजा भैया की हमेशा लोकप्रियता रही है सुल्तानपुर में, उनको मानते हैं, समर्थक बहुत हैं। ठीक, आने वाली राजनीति में उनका जो निर्देश होगा कार्यकर्ता पालन करेंगे, यही। और एक सरल हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखिए ये गमछा लेके खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या सोच रहे हैं या क्या इनके मन, देखिए अभी रैंडमली इनसे पास हम जाएंगे, इनसे पूछेंगे। यार भाई साहब, क्या नाम है आप? राकेश कुमार यादव मेरा नाम है, मैं जनसत्ता का सेवक अपने आप को लिखता हूँ। सेवक हैं आप? जी हाँ। से सेवा कर? बस राजा भैया के। बड़ा मुस्कुरा दिए आप। जी, राजा भैया के समर्पित कार्यकर्ता हैं हम। समर्पित हैं आप? जी हाँ। तो ये बताइए, कुंडा में हैं आप? कुंडा से? जी जी, कुंडा से। कुंडा के कौन से गाँव से? सराय कीरत से। क्या लोकप्रियता है, जनता क्या मानती है? अच्छा ये बताइए, जो टीवी में बोलते हैं भैया भगवान है, हम तो आपके क्षेत्र में गए थे आज जगह, तो लोग गरीब से गरीब आदमी बोलता था भैया हमारे लिए तो भगवान है, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, हम आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे कुंडा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में आप क्या पूरे देश में समझ लीजिए, माननीय राजा भैया जी जैसा कोई नेता या मुखिया नहीं है। कुंडा से भी आप आ रहे हैं? जी हाँ। आप क्या बस एक बार बधाई देने? जी बधाई देने आए हैं। क्या मानते हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र बहादुर सिंह है, भद्री ही मेरा घर है, जो राजा का पैतृक घर है, पिताजी रहते हैं। और माननीय राजा भैया गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं। यही तो सुनता आ रहा हूँ जगह जगह से। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनिए तो,
मेरे सुख में मेरे दुख में हन्नी मन्नी बीमारी जारी तमाम इस गरीब लोगों के पास तमाम सा झंझट रहता है और हर झंझट में माननीय राजा भैया एकदम जी तोड़ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि आज देखिए आप लोकप्रियता चारों तरफ से लोग धावा बोल रहे हैं। जय रघु। तो कुल मिलाकर के हमारे राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं। ये बताइए कि अब चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? और देखिए राजा भैया की मंशा है, राजा भैया के कार्यकर्ता वहाँ डट जाएंगे जहाँ राजा भैया लगा देंगे। वो राजा भैया जाने कि मतलब जहाँ वो आह्वान कर देंगे वहाँ खड़े तुरंत रात 12 बजे अगर कह देंगे तो 12 बजे रात उनकी पूरी। मैं पूरे यूपी में इतने विधायक हैं इतने सांसद हैं, मेरी बात सुनिए, हर जगह भीड़ नहीं दिखती है, किसी के यहाँ नेता कोई मिलना नहीं चाहता, यहाँ भीड़ लगी हुई है। वो नेता हैं मेरे राजा भैया नेता नहीं है, वो परिवार के मुखिया हैं। मुखिया मान? हाँ परिवार के मुखिया, सारी बात यही है जब मुखिया। हाँ मुखिया हमारे पूरे परिवार के मुखिया हैं, आपको क्या बताएं मैं। वो जिस क्या है आप जी, मैं मुखिया सिंह भदौरिया नकारा लखीमपुर खीरी से मैं आया हूँ। लखीमपुर खीरी से जी, क्या सोच के आए? सोच के कि माननीय राजा भैया जैसा व्यक्ति ना इस देश में है और ना होगा कभी भी। ये कोई भी जैसे आज से 540 साल पहले चले जाइए कि महाराणा प्रताप 540, उसका अगर कोई दूसरा विकल्प या रूप है वो है माननीय राजा भैया जिंदाबाद। माननीय राजा भैया जिंदाबाद। जनसत्ता दल पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। 8 साल सरफराज अहमद। क्या कहाँ से हैं? हमारे पुण्य मऊ बेती से। पुण्य मऊ? क्या भाई बेती से यहाँ चले आए जी? तो मिलते हैं आपसे? हाँ मिलते हैं हमसे, हमें उनसे प्रेम है इसलिए यहाँ चले आए। अच्छा। हाँ हमारे राजा भैया घर के मुखिया हैं हमारे। अच्छा जी। युवाओं में क्या क्रेज है राजा को लेके? युवाओं में यही क्रेज है हमारे राजा भैया के हाथों को और मजबूत करेंगे हम, और आगे अपनी पार्टी जितनी है उसको बढ़ाएंगे। हाँ जी राजा को जी बिल्कुल हमेशा करते हैं, हमेशा करेंगे जी। क्या नाम है भाई? अंकुश त्रिपाठी। यहाँ कहाँ से आए? मैं स्पोर्ट्स कॉलेज से। स्पोर्ट कॉलेज? अच्छा अच्छा। क्या सोच के आए यहाँ? मैं राजा भैया का बहुत बड़ा मतलब सपोर्टर हूँ। आज जन्मदिन है तो हम पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जन्मदिन है। हाँ, और लोगों से हम सीधे पूछ रहे हैं क्या मन में है आपके, क्या चल रहा है जो यहाँ आए हैं, और राजा भैया को अगर एक लाइन में बताना उनके बारे में तो क्या कहेंगे? उनसे मेरा एक लगाव है, उनके प्रति प्रेम है, इसलिए उनसे मिलने के लिए उनसे उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपको सोच रहे हैं। हाँ सोच रहे हैं। आप जो प्रश्न नहीं आपने जो प्रश्न किया उनका तो आप हमसे पूछिए, हम एक ही लाइन में जवाब दें। एक लाइन में बताइए राजा भैया क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? इतना इसलिए पसंद करते हैं सर, मैं कानपुर मेरी पैदाइश है पर प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ थोड़ा बहुत है, तो इस वजह से मतलब राजा तो हैं आदरणीय भी हैं और ही इज़ अ किंग यूपी, ही इज़ ओनली वन किंग इन यूपी, ओके ना, दैट्स इट। और उन्हें विश करने आए हैप्पी बर्थडे। विश करने आप आगे? यस यस क्यों नहीं, ओनली विश कर ले भगवान से दिल से दुआ। कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या लग रहा है यहाँ भी आ गए आप, वहाँ तो मिलते हैं। हमारे परिवार के मुखिया का जन्मदिवस है तो हम आएंगे क्यों नहीं, हम लोग तो भाई घर के हैं। हम लोगों के तो दिल की धड़कन है हमारे मसीह। इस प्रकार से लोगों में भाई साहब इनसे मीटिंग को बुलाना, इनको बुलाना, इनको हाँ हाँ ब्लैक बॉय उनको बुलाना। तो यहाँ पे पीछे राजा भैया आ चुके हैं, जनता उनसे संवाद जो है मिलना जुलना जनता से लगा हुआ है, मुलाकात कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि वो माला पहना रहे हैं और लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं।